खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम मुख्यालय के सिविल लाइन स्थित गढ़ी पर हैं। गढ़ी यानी हवेली। ये हवेली कुंवर सुनान सिंह बुंदेला की है, जहाँ पर नित प्रतिदिन मिलने वालों का आने वालों का तांता लगा रहता है। कुंवर सुजान सिंह बुंदेला पूर्व सांसद होने के साथ साथ एक समाज सेवी हैं। उनके आवास पर झांसी मंडल के बुंदेलखंड नव निर्माण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष भानु सहाय अपनी टीम के साथ आए हैं और उन्होंने पृथकराज को लेकर अपनी मांग का जो आंदोलन अनवरत चला रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वह पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला से मिले और उन्होंने अपना एक पत्र उन्हें सौंपा और उनसे उम्मीद की कि वह पृथकराज के लिए अपनी पहल करें। तो पृथकराज के लिए जहां कुंवर सिंह सुजान सिंह बुंदेला ने अपने समय पर और आज भी वह कहीं पीछे नहीं है, अनेक आंदोलन में उनने भागीरथी प्रयास किया और उनका प्रयास अंततः अनेक जगह सफल भी हुआ। आंदोलन में जोश आया, उत्साह आया, चाहे वह युवा हो, वृद्ध हो या जवान, किसी तरह का हो, पृथकराज के लिए माननीय सुजान सिंह बुंदेला का प्रयास सभी के लिए सार्थक रहा। आज भानु साहब उनके समक्ष उन्होंने पत्र सौंपा, तो हम बात करेंगे सुजान सिंह बुंदेला पूर्व सांसद से कि पृथक राज के प्रति उनकी क्या सोच है। सर्वप्रथम तो हम अपने छोटे भाई भानु साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये पूरा बुंदेलखंड बहुत ऋणी रहेगा भाई भानु साहब जी लड़ाई लड़ रहे हैं पृथक राज की। दरअसल बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है समूचा, जब कहते हैं कि सीमा छत्रसाल के समय पे कही गई थी, तो उस बुंदेलखंड को जो आज सबने तिरस्कृत किया है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दरअसल दो स्टेटों में ये बटाया क्षेत्र, लेकिन जिस तरह से लड़ाई हमारे भानु भैया लड़ रहे हैं, हम तो बड़ी खुशी है, हृदय में बड़ी खुशी रहती है। भगवान से ये विनती करेंगे कि भगवान इनकी तमन्ना पूरी करे और बुंदेलखंड राज बने, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है, वरना बुंदेलखंड बहुत पीछे है। पानी की कमी हो चाहे खेती में बिजली का, हर चीज़ की कमी जो है तो पूरी बुंदेलखंड में, लेकिन बुंदेलखंड की धरती के ऊपर तो गरीबी है, धरती के नीचे विशाल अमीरी है। इसी बुंदेलखंड में हीरे निकल रहे हैं, इसी हर चीज़ मिनरल्स जो निकलते हैं विंध्याचल के बुंदेलखंड भूभाग, जिनका दोहन तो हो रहा है और फ़ायदा मिल रहा है दूसरी जगह को, यहाँ फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड बने, हम बिल्कुल के साथ हैं, जैसा जो आदेश निर्देश हमें करेंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस कारण दाऊ सुजान सिंह बुंदेला ने एक अनमोल प्रमाणिक बात, ऐतिहासिक बात सत्य के रूप में कही है कि बुंदेलखंड में गरीबी है लेकिन बुंदेलखंड की धरती के नीचे अमीरी है। उस अमीरी के प्रति अनेक राजनीतिक दल लालायित हो जाते हैं और लालायित और लालच के तरते वह जनता को पुल्लुवम देते हैं जब चुनाव आता है, और चुनाव आने के उपरांत उन्हें पुल्लुवम देते हैं कि पृथक राज हमारी पार्टी बनाएगी। ऐसे में उमा भारती ने विगत दिनों अपना बयान दिया था जब सरकार बनने की स्थिति में थी कि 3 साल में बुंदेलखंड राज भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, लेकिन 3 साल बेमिसाल के गुजर चुके हैं और उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। तो राजनीतिक लोग पिल्लुवन देकर जो बुंदेलखंड की धरती है, उस धरती के अंदर जो खजाना है, उस खजाने की लूट और खरोच मचाने के लिए अपना पेट और पेटी भरते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। तो हम ऐसे में पूर्व सांसद जी से बात करेंगे कि ऐसे राजनीतिक लोगों के प्रति क्या सोच है आपकी। देखिए, वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी दल हो, संस्था संगठन हो, सबकी सोच होना चाहिए बुंदेलखंड राज बने, बुंदेलखंड का विकास हो, लेकिन ध्यान नहीं दिया। 7 साल इनको गुजर गए हैं, चुनाव वोट के टाइम पे आते हैं, आज भी सामने चुनाव है विधानसभा का, लेकिन जनता इनको जवाब देगी, निश्चित तौर पे देगी। बुंदेलखंड की धरा के नीचे बताया, धरा के ऊपर अपार संपदा थी, वृक्ष, पेड़ पौधे, हरियाली, इन पहाड़ जी हरे भरे थे। आज हमारे भाई, छोटे भाई सराफ जी ने जो अभियान उठाया, लक्ष्य बनाया 1 लाख पेड़ लगाने का, उसी श्रृंखला में आज उन्होंने ये वट वृक्ष हम जिनको भेंट किया है, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बुंदेलखंड को हरा भरा करें। इसमें जो भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार हैं। उसी वट वृक्ष के नीचे जिसकी सनातन धर्म के लोग पूजा करते हैं, हम सभी पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा, जिसकी वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उनको भी वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, उनके हम साथी हैं। इन राजनीतिक पार्टियों को जवाब जनता को देना चाहिए,
बुंदेलखंड प्रांत बनाए बिना इस क्षेत्र का विकास संभव हो ही नहीं सकता है। हमारा बुंदेलखंड जैसे पहले राजे महाराजे अपने किले से दूर हरजन बस्ती बसा दिया करते थे, इसी तरह हमारी राजधानी लखनऊ के दूर बसाए बुंदेलखंड बिल्कुल हरजन बस्ती की तरह इसका साथ व्यवहार किया जाता है और किया जा रहा है। दाऊ सुजान सिंह मुंदेला की सोच और उनका जज्बा यकीनन पृथक राज के लिए एक मूल मंत्र होगा और भानु सहाय उनसे मिले और उनसे उम्मीद की, उनकी उम्मीद को खरा पूरा करने में अपना प्रयास सार्थक रखेंगे। भानु सहाय उनकी टीम ने माननीय सुजान सिंह मुंदेला को एक वृक्ष सौंपा है इस उद्देश्य से कि इसकी हरियाली और रास्ता दोनों का तालमेल पृथक राज के लिए बने। इस पृथक राज के लिए जब बनेगा तो इसकी हरियाली और रास्ता विकास की ओर उमक होगा और बुंदेलखंड में धरती के नीचे और धरती के ऊपर स्वर्ग होगा। ऐसी सोच लेकर बुंदेलखंड नवनिर्माण मोर्चा अपनी आंदोलन की गति बढ़ा रहा है। हमारे साथ भानु सहाय हैं और उनकी टीम के सभी सदस्य हैं। ललितपुर लाइव टीवी उनके लिए शुभकामना देती है और उनके आंदोलन को गति मिले ऐसी उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखती है। कहते हैं किसी संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में शक्ति होना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी और प्राथमिक पाठशाला जब हुआ करती थी तो पढ़ा जाता था कि चार लकड़ियों को एक साथ एकत्र करने के बाद तोड़ना असंभव था, एक एक लकड़ी टूट जाती थी। ऐसी संगठन होता है, संगठन अनेक लोगों के द्वारा बनता है, लेकिन संगठन जब बनता है तो मजबूत हो जाता है। पृथक राज की बात करें तो पृथक राज के लिए अनेक अनेक संगठन अनेक प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। बुंदेलखंड विकास सेना है तो बुंदेलखंड नवनिर्माण मुक्ति मोर्चा है तो बुंदेलखंड मोर्चा है, अनेक प्रकार के संगठन हैं और आज़ादी के पहले से इस आंदोलन को गति दी जा रही है। अगर ललितपुर लाइव टीवी बात करें तो सभी संगठन एक मंच पर हो जाएं और एक मंच पर होकर सभी एकजुट होकर एक आवाज़ उठाएं और सभी संगठनों के संयुक्त रूप से एक मोर्चा हो और मोर्चा के अंतर्गत सरकार से अपनी बात करें तो यकीनन पृथक राज का सपना पूरा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बुंदेलखंड नवनिर्माण मोर्चा के भानु सहाय जुड़े हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सभी संगठनों का समूह एक हो और फिर लड़ाई हो तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है, सभी जितने भी घटक संगठन हैं बुंदेलखंड की, इनका हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया है और 72 दिन का एक सत्याग्रह झांसी में किया गया था। सबसे अच्छी बात तो ये रही उस 72 दिन के हमारे सत्याग्रह में कि 37 NGO भी जुड़े हमारे साथ, विभिन्न राजनीतिक दल भी जुड़े हमारे साथ। लेकिन राजनीतिक दलों के साथ जो समस्या खड़ी हो जाती वो अपनी पार्टी लाइन की तरफ देखने लगते हैं। जब हमारे टेंट में आते हैं तो वो बुंदेली होते हैं और जब टेंट से बाहर जाते हैं तो वो अपने पार्टी लाइन की बात करने लगते हैं। हमें उसमें कोई गुरेज भी नहीं है। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है, अखंड बुंदेलखंड था, अखंड बुंदेलखंड चाहिए और अखंड बुंदेलखंड ही रहेगा। आपका आंदोलन एक समय राजा राम की नगरी ओरछा से शुरू हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये सौभाग्य है हमारे बुंदेलखंड की धरा का कि राजा राम, प्रभु राम हमारे यहाँ राजा के रूप में विराजे हैं। तो जब भी इतने के राजा हैं तो हमारी मांग भी है कि बुंदेलखंड की राजधानी बने तो ओरछा में बने, उन्हीं की सरप्रस्ती में बने। रामराज तभी तो आएगा जब राजा की सरप्रस्ती में हम कार्य करेंगे। तो हम लोग जब ओरछा गए थे तो हम लोगों ने वहाँ सौगंध उठाई थी कि कसम राम की खाते हैं, राजधानी ओरछा बनवाएंगी। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह के ये 20,000 रामबंधन भी पुजवाए हैं। ये हम घर घर जाके बांधेंगे कि तुम्हें राम को कॉल, उठो बाहर निकलो, भगवान राम जिते विराजे हैं बा ओरछा को राजधानी बनवाने में और बुंदेलखंड राज निर्माण करावे में सहयोग करो। आपका संयुक्त मोर्चा जो बन गया उसका नामकरण क्या हो गया? उसका बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा नाम था, मैं उसका संयोजक था। वो तभी कार्य में आएगा जब कोई बड़ा कार्य हम करेंगे। आगामी संगठन की महासंगठन की योजना क्या है? देखिए, बहुत जल्दी ऐसी स्थिति बन रही है। अभी हाल ही में एक समाचार वायरल हुआ कि प्रयागराज को, मिर्ज़ापुर को और कानपुर को जोड़ के बुंदेलखंड बनाया जाएगा। हम लोगों ने तत्काल एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया कि अगर ये ऐसा सोच भी रहे हैं तो आगामी आने वाले चुनाव में ये खोजें कि इनकी सीटें कहाँ थीं, वो अगर दृश्य हमको बनाना है तो हमें पुनः एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता वहाँ नज़र नहीं आया। ये जो समाचार बाजार में आया है इसमें बहुत ज़्यादा सत्यता नज़र नहीं आ रही 2022 तक। 2024 में ये क्या करेंगे
हम लोग फिर इसका निर्णय ले लेंगे। हम लोग लगातार सारे के सारे घटक कभी भी कोई ऐसी बड़ी कार्य होता है एकजुट होते हैं, बैठक करते हैं और सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, एक सबसे बड़ा रोना होता है कि अगर संयुक्त मोर्चा ने एक आज ज्ञापन दे दिया, उसके एक महीने बाद फिर हम दूसरा कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों का सोच ये है कि आज बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने एक ज्ञापन दिया तो कल टीटू कपूर जी एक ज्ञापन दें, तो परसों सत्येंद्र पाल जी एक ज्ञापन दें, तो नरसों बाबूलाल तिवारी जी एक ज्ञापन दें। निरंतरता बनी रहे इसके लिए अलग अलग संगठन जितने भी हैं वो अलग अलग कार्य करते रहें। बड़ा जब भी कोई कार्य होगा हम इकट्ठे ही होके करेंगे। तो आपके संयुक्त मोर्चा का कोई आंदोलन रूपी मीनू तो बना होगा? नहीं, मीनू नहीं, उसमें सिर्फ इतना है कि जब भी ऐसी कोई समस्या है या जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो, जैसे मोदी जी झांसी आ रहे थे पिछली बार, जब मोदी जी झांसी आ रहे थे तो संयुक्त मोर्चा ने निर्णय ले लिया था कि आप झांसी आइए, काले झंडे से हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन पुलवामा हो गया, हम लोगों ने अपनी मांग को वापस ले लिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।